शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेम चाचा, अपने नसीब से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरे अपने बहन की शादी की खबर मुझे गैरों से मिले। मुझे मुझे खबर क्यों नहीं दी गई रेम चाचा? हा, खबर देने कहां जाते बेटे? अपने घराने के दुश्मन उस धर्मदास के यहां आजकल वहीं रहते हो ना बेटे? रहीम चाचा, मैं देवता चंद्रमा देवता, विवाह का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा है, कन्यादान कौन करेगा? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाधि साधके शरण्ये त्र्यंबके। भैया कन्यादान कर रहे हैं? बाबूजी का फालिज में है। फालिज में? कब से? कई दिनों से। कहाँ है बाबूजी? किस अस्पताल में हो? घर में है। हाँ बेटे, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें हर परेशानी और गुस्से से दूर रखा जाए। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए जी। आप बेटी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूं इसे इतना सुख दूंगा कि यह जिंदगी भर आप लोगों की कमी महसूस नहीं करेगी। बाबूजी, इस हालत में छोड़कर जाने को जी नहीं करता, जी नहीं करता बाबूजी। तू इनकी चिंता मत कर सुनाता, मैं जी हूं ना। मैं तुझसे वादा करता हूं बाबूजी ठीक होकर बहुत जल्द कलकत्ते में तेरा सुख देखने आएंगे, है ना? चलो बेटी, चलो। बाबूजी, मत रो बेटी, यही औरत का नसीब है, एक प्यार भरा घर छोड़ के नया घराना बसाना पड़ता है। बेटी, जाओ बेटे, जाओ, खुश रहो। सुजाता, पैसे सुजाता की शादी के लिए लाया था मां। बाबूजी की इलाज की तू चिंता मत करना मां, मैं हूं ना, मैं इलाज कराऊंगा। ये पैसे तू इस हराम की कमाई से बाबूजी का इलाज कराएगा? ले जाइए रुपए और पड़ा रहे उस धर्मदास के चरणों में। आओ
यहां बैठ जाओ। रात के 9 बज चुके हैं, अब मैं चलूं? वो तुम जानो, मेरे लिए तो दिन और रात एक समान है। तुम पास हो तो उजाला, दूर हो तो अंधेरा। सुबह होते ही आ जाऊंगा ना, अब जाने दो। रोज चले जाते हो, आज रात यहां रह जाओ ना। प्लीज नैना, मेरी मजबूरी को समझो ना। बाबूजी की हालत तो तुम जानती हो, वो मेरी राह देखा करते हैं। उनकी देखभाल के लिए मुझे रात को घर लौटना ही पड़ता है। तो फिर मुझे वहां क्यों नहीं ले चलते? बड़ा अरमान है कि ससुर जी के चरण छू सकूं। मैं अब तक उन्हें बता नहीं पाया कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। उनकी हालत वैसे ही नाजुक है, थोड़ी सी समझ जाए तो मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ रात भी गुजार सकूंगा। जाने कब जागेंगे मेरे नसीब। मुझे इजाजत हो जाने की, गुड नाइट ना। सुनो, क्या बात है? पत्नी से विदा लेने का तरीका यही होता है क्या? तो फिर कौन सा तरीका? हाँ, ठीक ही तो है। तुमने भी होटल से काम लिया, गुड नाइट कहकर। गुड नाइट। राधा जी, आपके लिए फोन है। किसका? मैडम के बंगले से आया है। हेलो राधा, तुम इतना बदल क्यों गई हो? नहीं तो नैना, कहाँ बदली। तो मेरे घर आना क्यों छोड़ दिया है? मेरी शादी के रिसेप्शन में आई थी, उसके बाद ना तुम्हें छू सकी ना तुम्हारी आवाज सुनी। चुप क्यों हो, बताओ ना, क्या कसूर किया है मैंने जो तुम मुझसे दूर रहने लगे हो? आजकल मेरे सिर काम बहुत है। तुम बहाने मत बनाओ, फौरन आ जाओ। फुर्सत मिलते ही आ जाऊंगी नैना। नहीं, तुम्हें अभी आना होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू आ गई राधा। अरे कैसे जान गई तू? हवा के झोंके ने तेरी महक पहुंचा दी। झूठी कहीं की, फोन पे डरा दिया कि बीमार है। तू तो यहां भली चंगी बैठी है, फिर क्यों बुलाया मुझे? और किसको बुलाऊं? तेरे सिवा है कौन जिसके साथ अपना दुख दर्द बांट सको। क्या तू और विजय अब तक हारत हा? मैं वो अभागन हूं जो सुहागन तो बन गए लेकिन सुहागरात अब तक नसीब नहीं हुई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे, एक अंधी लड़की की बेबसी का फायदा उठाओगे। तुमने नैना के लिए नहीं, उसकी दौलत के लिए उससे शादी की है। नहीं राधा, मैं दौलत का लोभी नहीं। मैंने श्रद्धा देवी से उतने ही रुपए लिए जितने मेरी बहन के हाथ पीले करने के लिए जरूरी थे। उसके ससुर 7 लाख मांग रहे थे। उस दिन तो तुम बाबूजी से कह रहे थे कि उन्हें रुपए नहीं चाहिए। बहन की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, मुझे शादी भी करनी पड़ी। लेकिन भगवान जानता है कि मैंने वो रुपए कर्ज के तौर पे लिए हैं, एक दिन मैं जरूर वापस कर दूंगा। ओह, बहन की जिंदगी तो बचा ली लेकिन नैना की जिंदगी, अब उसका क्या होगा? पति का फर्ज पूरा करूंगा मैं। औरत के गले में मंगलसूत्र डाल देने से वो फर्ज पूरा नहीं होता विजय। पत्नी के अरमान तभी पूरे होते हैं जब पति की बाहें उसके गले का हार बने, पति का प्यार मिले उसे। मैं उसे प्यार भी देना चाहता हूं राधा, लेकिन क्या करूं,
दिल से मजबूर हूं मैं, पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता मुझसे। क्या तुम अब तक नहीं? विजय ये गलत है, अब मेरा ख्याल दिल में लाना भी तुम्हारे लिए पाप है। ये ऐसा पाप है जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं। क्या तुम बुला सकी हो मुझे? नैना के दुख का कारण मुझे मत बनाओ विजय, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। उसमें दिलचस्पी तो लो, वो मुझसे बहुत बेहतर लड़की है। उसे सुख दोगे तो इतना सुख पाओगे कि जीवन स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारे लिए। अब तो यही एक रास्ता है, सुख देकर सुखी होना सीख लूं मैं, समझा लूंगा अपने दिल को, लेकिन तब तक नैना को सब्र करना पड़ेगा।